आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के लापता होने पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से वजीर आजम की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान को अवामी इश्यूज पर हद्फ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा करने वाला वजीर आजम लापता है। IMF जाने के बजाय खुदकुशी का ऐलान करने वाला, भीख मांगने पर मौत को तरजीह देने वाला वजीर आजम लापता है। तयारा हादसे में जान बहक होने वालों की मैयतें ना मिलने पर उनके प्यारे पूछ रहे हैं कि वजीर आजम कहाँ है। तयारा हादसे की तहकीकात पर अवाम सवाल पूछ रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि टिड्डी दल से फसलें तबाह हो गई और वजीर आजम का कुछ पता नहीं। कोरोना मरीजों और अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, लेकिन सूरत हाल से निमटने की कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं। 5 साल से फॉरन फंडिंग का केस जारी है, लेकिन एहतसाब खुद से शुरू करने वाले वजीर आजम का कुछ पता नहीं। 23 खुफिया बैंक अकाउंट बरामद हो गए, BRT के 126 अरब के खड्डे खोदे गए, 10 अरब दरख्त लगा दिए गए, लेकिन जमीन पर यह दरख्त लापता है। खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन को 7 साल से ताला लगाकर इमरान साहब लापता है।